नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुरेंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों आज की वीडियो बहुत 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 खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सीधा आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि भारत में कोरोना वायरस अब जो है अपने चरम पर है, पीक पर है, और प्रतिदिन करीब 4.25 लाख लोगों को निपटाता चल रहा है। तो इसी सिलसिले में मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे मेल्स किया है और उन्होंने मुझसे डिमांड की कि भैया क्या आप कोई तरीका बताइए जिससे हम लोगों को ये पता चले कि कोविन ऐप पर किस तरह से वो वैक्सीनेशन प्रोसेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने एक साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर आए जिससे पूरी की पूरी वेबसाइट हैक हो गई, बैठ गई। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और बहुत सारे लोग भारत में इस एप्लीकेशन को यूज तो करना चाहते हैं लेकिन वो यूज कर नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, सीधा आपको ले चलूंगा स्क्रीन पे और दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है कोविन एप्लीकेशन पर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो और घर बैठे आप जो है वैक्सीनेशन करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो अब आप आ चुके हैं स्क्रीन पे कोविन के। आप कोविन एप्लीकेशन को खोलेंगे तो बड़ा प्यारा सा इंटरफेस आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको एक डॉक्टर साहब दिखेंगे जो कंप्यूटर लेके आपकी एंट्री कर रही होंगी। लेकिन 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 अफसोस की बात है दोस्तों कि आप जो है अपने कोविन एप्लीकेशन को ओपन ही नहीं कर पा रहे होंगे। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों कोविन पे इस समय जो है करीब 20 करोड़ लोगों ने अप्लाई करके रखा हुआ है। 20 करोड़ यानी दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ा क्राउड कोविन पे इस समय आया हुआ है। और इस वजह से दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोविन ऐप चल ही नहीं रहा है, ये पूरी तरह से हैंग हो चुका है, रुक चुका है। इस पर आप कितना भी वेट करोगे, कितना भी ट्राई करोगे, आपको OTP आएगी ही नहीं। तो मैं कुमार सुरेंद्रा आप सभी लोगों को सही जेन्युइन चीज़ दिखाता बताता हूँ। इसलिए मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि अगर आप लोग कोविन पे ट्राई कर रहे हैं अभी तो न करें तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 20 करोड़ का क्राउड इस पे आया है। तो यहाँ पर जो है वो क्राउड हटने में और चीज़ों को नॉर्मल होने में अभी समय लगेगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर कोविन पे एप्लीकेशन पे वैक्सीनेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो तो कहाँ कर सकते हो? तो मैंने आई बटन में एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल दिया है, आप आरोग्य सेतु से भी कर सकते हैं। अगर आरोग्य सेतु से नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि जासूसी कर रहा होगा आरोग्य सेतु, तो आप दोस्तों पेटीएम अगर यूज़ करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और है। पेटीएम में दोस्तों मैं इस पर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन उसकी। लेकिन पेटीएम एप्लीकेशन आप जैसे ही खोलेंगे उसके स्लाइड बार में आप जाएंगे तो आपको जो है वहाँ वैक्सीनेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उससे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से कोविन के चक्कर में पड़ना छोड़िए और जो है अगर पेटीएम है तो पेटीएम या आरोग्य सेतु है तो आरोग्य सेतु, इन दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन पे ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये ट्यूटोरियल्स भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और मुझे YouTube पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ऑटो प्ले पे देख रहे हैं तो ऑटो प्ले पे फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा कोरोना से।